पाटारे तो माठी प्रोग्रामे पी आर एन एम एम सी पुखरियाटी और माठे पश्चिम प्रांत डिग्री कलेज मुर्मू स्टूडेंट यूनियन डेंजर क्लब रोसडिया सन्डी मेट्रोवान सिंगर कप्तरिये पी आर एन एम एम सी पुखरियाटी असिगे सुतरिये मुर्मू स्टूडेंट यूनियन विधन हासदा 26 नंबर जिसमें प्रदीप हासदा जिसमें 14 विकास मंडल जिसमें 13 दीपक सोरेन जिसमें 15 अनिल मांडी जिसमें 12 दुनू बास का कप्तान जिसमें 19 पर लक्ष्मण सोरेन जिसमें 7 में है शिवा मुर्मू जिसमें 11 पर गांतेश सोरेन जिसमें 18 टीम मुकेश और दीपक के साथ जुड़ा है। मुर्मू स्टूडेंट डीवीएम की अगर बात करें तो ये गोलकीपर है बबलू सोरेन। घनश्याम मुर्मू जिसमें 15 पर इंद्रजीत उराव 3 नंबर के जिसमें है दुल्लू सोरेन के जिसमें 2 ठाकुर किसको जिसमें 12 में धोना हासदा जिसमें 9 फुलचांद महाली जिनका नाम मैं सुबह सुबह ले चुका था कि फुलचांद महाली आएंगे उनका भी 11 नंबर के जिसमें देख रहे हैं सुनील लोहार जिसमें 7 पर है विकास नायक का जिसमें 17 टीम में भीम हेमरम लक्ष्मण सातर विकास हासदा और देवा मुर्मू टीम के साथ जुड़े हैं। जिक्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ा है पुखरिया टीम में और काफी सारे नेशनल खिलाड़ी मुर्मू स्टूडेंट डिवीजन काफी बड़ा हो कौन सी टीम जीतेंगे कहना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। अगला मैच क्वार्टर फाइनल के मैच के लिए रेडी रहेंगे जस्मीन एफसी सामना करेंगे टूडू एंड मुर्मू आप भी रेडी में रहेंगे। चलो बहुत ही शानदार खेल को खेलता हूं आप दोनों टीम की खिलाड़ी तो जहां तक बात करें मुर्मू स्टूडेंट डीवीएम के टीम के बारे में तो झारखंड ओडिशा बंगाल बिहार असम में भी 11 नंबर के जिसमें जब पाथरगोरा में लट्टी के बड़े टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था फाइनल का खेल भी खेले थे बहुत अच्छा मौका यहाँ पर मुर्मू स्टूडेंट डीवीएम के टीम को अच्छा हेडर दीपक हासदा के द्वारा मौका सुनील के लिए लेकिन यहाँ पर अच्छी बॉल यहाँ पर धोना के लिए लेकिन धोना का दीपक हासदा का अच्छा लंबे शॉट चलेंद्र जी ये सुनील लोहार नेशनल प्लेयर है ओएनजीसी क्लब में भी एक खेल चुकी है स्टार का भरमार है डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी प्रदीप टीम के साथ जुड़े लक्ष्मण टीम के साथ जुड़ी है पोखरिया टीम डी के लिए विकास मंडल जी हम विकास मंडल एक ऑलराउंडर प्लेयर है मौका दोनों के लिए थोड़े से दबाव में जरूर है ये हम लोग कर सकते हैं पी आर एन एम एम सी पुखरिया डी लेकिन एक बार तालमेल अगर बन जाएगा पुखरिया डी बॉल को रिसीव करने में नाकाम रहा पड़े और उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जितने भी टूर्नामेंट हमारे पूर्वी सिंहभूम हो रहे हैं इनका मुख्य कारण है
सभी खिलाड़ी को सभी टीम को हम लोग उचित मान सम्मान देते हैं। मेन बार और खिलाड़ी को बेबड़ी कथा को मैं बता पा टूर्नामेंट खेल को चला उनको बड़ी को व्यवहार तो आवरिन को बड़ी को बुझे खेल खेला समय मिस्टेक तो हुई बड़ा को हल्ला के बुरी बुरी नाली मना पे कथा तो बांगे हल्ला गुल्ले के दबा कोई दर्शक ऐसा होता है जो बाबी काले भी ऐसा भी होता है। फिलहाल आप घनश्याम मैनेजर राजकुमार सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने चाईबासा एरिया से पश्चिम सिंहभूम से टीम को लाया था हमारे टूर्नामेंट में खेलने के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका खिलाड़ी ने साफ सुथरे खेल को खेले हैं इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो इनको कोई टिप्स दिया था उस टिप्स के आधार पर चाहे विकास हो या गोल के बाद तरुण महतो हो उन्हें नक्सल कदम में आगे बढ़ता गया। सुनील लोहार दिक्कत होती है डी टीम की अगर बात करिए तो जब असावन ने रेखी खड़े टीम के साथ जुड़ा है काबसरे इनका भी मार्गदर्शक इनका भी काबसर कोच है शानदार साउंड लेकिन बबलू का संदर बहुत अच्छी तालमेल यहां पर कृषि विकास लगातार विकास ने एक दमदार गोल मारे हैं। अब तक हमारे टूर्नामेंट में हैट्रिक गोल देखने काफी देर तक डिसीजन से पोखरिया टी टीम के खिलाड़ी बॉल को बाहर नहीं निकल पाए लेकिन समय काफी है मैच में वापसी करने के लिए। एक गोल से पिछड़ने के बाद एक बेहतर मौका जरूर बनाते हैं पोखरिया टीम उस मौका को गवाएं बबलू का शानदार बचाव देखने को मिला है। उसके बाद विकास का फिर से एक बेहतरीन गोल देखने को मिला है मौका फुलचांद के लिए जोरदार शॉट धोना का मुर्मू स्टूडेंट भीम डीसी चांडिल की अगर बात करें जितना ज्यादा समय लोगों को मिलता है उतना ही दमदार खेल को दर्शाते हैं यही इनका खासियत है। 40 मिनट एक घंटा मैच में पूरे अनुभव को झोंक देते हैं लॉन्ग टाइम खेलने का अनुभव की कमी है पुकुर एंडी टीम के खड़े में ऐसा कोई बात नहीं। शुरुआती दौर में जो गोल खा गए वो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत बना हुआ है। हेलो मंच के आगे वाले सीढ़ी में मत बैठिए भाई बहुत सारे जगह है प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो मंच का डेकोरेशन जैसा भी लेकिन मंच का जो गरिमा है उसको बनाए रखना पड़ता है। बाद में जगह अगर बिल्कुल नहीं होगा तो आराम सबको बैठने का मौका दिया जाएगा। फिलहाल कांटे का मौका वाला और तीसरी सफलता के नजदीक मोमेंट अच्छा बना रहे थे फिनिशिंग लाल पोखरिया टीम में लक्ष्मण जैसे अनुभवी खेड़े को कुछ अतिरिक्त प्रयास करना होगा। जसवर बार पर अनिल माड़ी है गतिशील खिलाड़ी है टीम में सिवा मौजूद है कुछ ना कुछ उम्मीद रहेगा टीम के मैनेजर को कि बचे हुए समय में मेरा
टीम के खिलाड़ी वापसी कर लेंगे और सब पोखरिया के टीम में कुछ उम्मीद अभी भी बरकरार है। एक अच्छे टेक्निक को अपनाता हुआ मोरगो स्पोर्टिंग इब्राहिम की टीम मौका बन सकता है पर फुलचांद के लिए विकास को तलाशना चाह रहे थे। मुर्गे बस में चप पुखरिया टीम डिजिटल लॉर्ड ऑफ डेविल की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई की जिनमें से सात या आठ खिलाड़ी बी में भी अच्छे अच्छे थक्कर टीम है और आज के ग्रुप से कौन सा टीम जीतेंगे फाइनल के लिए कौन सा टीम क्वालिफाई कर लेंगे। मैं पहले बता चुका हूं टूर्नामेंट का लेवल क्या है ग्राउंड का स्थिति क्या है मौसम का कंडीशन क्या है समय कितना मिल रहा है उस आधार पर टीम को खेलना पड़ता है। बहुत ही कमाल का शॉट कमाल का गोल यहां पर लक्ष्मण बहुत ही खुशी की बात होता है। अच्छी एसिस्ट के सुनील लोहार ने दिक्कत यही बढ़ रहा है यहां पर पोखरिया टीम के लिए शुरुआती दौर में गोल खा गए दूसरा गोल भी उसके कुछ देर के बाद था मैदान पर जैसे हुआ उसे तुरंत फिर से गोल खेलना पड़ा। तो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि पोखरिया डी टीम में मौसम एरिया के खेल का समावेश है उस एयर में भी काफी सारे कोच है काफी दर्शक है मार्गदर्शक है जिनमें रघुनाथ किस्को जो फुटबॉल का अच्छा जानकार स्पोर्ट्स का अच्छा जानकार जो यूसीआईएल नारवा स्कूल का खेल शिक्षक भी है बीटू जैसे अनुभवी फुटबॉल के मार्गदर्शक चांद जैसे बेहतर कोच काफी नाम है गिनामे मार्गदर्शक इनका भी लेकिन दिक्कत यही बना हुआ शुरुआती दौर में जो गोल है वहां से थोड़ा सा इनका तालमेल गड़बड़ा लग गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि PRMMC पोखरिया टीम में कि साफ सुथरे खेल को खेल रहे हैं विपक्षी दल के खेल को नुकसान पहुंचा जिस इरादे के साथ अब तक कोई भी खेल नहीं खेल रहे हैं खेल है जानते कि हार जीत तो खेल का अंग है। अच्छे डिसिप्लिन टीम के रूप में भी जाना जाता है ये टीम पास कुछ गलत कर दे रहे हैं एक मजबूत टीम के विरुद्ध मेरे स्वास्थ्य से मांगा पड़ जाता है के लिए दीपक सोरेन एक अच्छे फुटबॉलर के साथ साथ एक अच्छे उभरता हुआ रेफरी भी है घर्षण लीग का एक फुटबॉल घराने से बिलोंग भी करते हैं। मौका सिवा के लिए फिर से दीपक सोरेन मंडल 13 नंबर की खाड़ी। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं जो विश्वास जितने मेहनत करके बोल को अपने कब्जे में ला रहे हैं और दिव्य से दल डीजीएम की खाड़ी को बोल थमा दे रहे हैं यही इनके लिए दिक्कत बना हुआ है। चलिए इसके बाद जो मैच होगा क्वार्टर फाइनल का मैच होगा खेलने के लिए रेडी रहेंगे जसवीन एफसी उनका सामना करेंगे टूडू एंड मुरमू। आप चेयर लगाकर आप लोग मत बैठिए अगर हमारे कमेटी के सदस्य के लिए था लेकिन अब तक कुछ हमारे कमेटी के सदस्य नहीं हो पहुंच पाए इनके साथ साथ विकलांग कोटा के अंतर्गत जितने भी दर्शक आते हैं वो लोग के लिए स्पेशल है। फिलहाल निःशुल्क इस तरह का चेयर का व्यवस्था मैदान के उत्तरी दिशा दक्षिणी दिशा में गोल्डन जुबली हर कमेटी के लिए बहुत भी गर्मा की बात होता है।
2026 में ये कमेटी गोल्डन जुबली को मनाएंगे, क्योंकि ये 48वां वार्षिक प्रोग्राम का आप लोग आनंद ले पा रहे हैं। चल फिलहाल पर ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाह रहे, पर डिवीजन की खड़े जानते हैं अब तक 3 गोल से हम लोग आगे हैं, जीत की झोली कहीं कहीं हमारे हाथ में आ चुका है। जब मौका मिले आक्रमण करें और ज्यादा से ज्यादा अपना पाले में बोलकर रखा जाए। उनको बढ़ती है, फिलहाल 3 गोल से आगे हैं यहां पर मोरमोसपुर एनडीपीएम की टीम। लेकिन अपने पाल में खेलना चाह रहे जहां कुखरिया टीम के खिलाड़ी जितना अटैकिंग मेल को खेलेंगे उतनी ही अच्छा होगा। गोलंदर को कम करने के लिए उनको रिक्स लेना पड़ेगा, एटैक मोमेंट में ज्यादातर बॉल को ले जाने की कोशिश करना होगा। अगर मैं यहां पुखरिया टीम के दृष्टिकोण से बात कहूं तो फिलहाल अगला मैच के लिए मैं आमंत्रण देना चाहूंगा क्वार्टर फाइनल का मैच के लिए जसवीन एफसी टीम के खिलाड़ी अट्टूड एंड मुर्मू टीम के खिलाड़ी आप बहुत ही कम समय आएंगे। चलिए गलत खेल को दर्शने की कोशिश। चलिए 4 नंबर के खिलाड़ी मैदान में आ चुका है मुर्मू स्टूडेंट टीम के लिए, तो ये देवा मुर्मू की अगर बात कीजिए तो वेस्ट बंगाल हमारे पड़ोसी स्टेट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड उड़ीसा और बंगाल के खिलाड़ी हमारे इस नवदंडी के ग्राउंड में अपना कला कौशल को दर्शा रहे हैं। कुछ दारो ताजा खिलाड़ी फ्रेशरी खिलाड़ी पुखरिया के टीम में भी आए हैं। दीपक उभरता हुआ नया सितारा मैदान में आए, मुकेश 16 नंबर के जिसमें नजर आ रहे हैं। जसवीन एफसी टीम के खिलाड़ी हमारे टेक्निकल जोन में पहुंचे हैं। टुडू एंड मुर्मू टीम के कप्तान और मैनेजर आप भी अपना खिलाड़ी को हमारे टेक्निकल जोन में पहुंचा देंगे। इस मैच में जो भी टीम जीतेंगे जेके इंडिया ओडिशा टीम के साथ उनका जोड़ी होगा। लाजा खेल बुंजलिया नौ खेलों रे जहां टीम के को जीतकर आज जेके इंडिया ओडिशा टीम सलाह पहने नपमा। फिर से दीपक देश के अंतिम समय थोड़ा सा ताकत झोंक देंगे तो कहने गोल अंतर को कम कर देंगे, ये उम्मीद जरूर यहां पर टीम के मैनेजर का बना हुआ है। फिर से लक्ष्मण वीर दिशम के स्टार खड़े लक्ष्मण सरदार आज चलिए सही शॉट लगाने में नाकाम रहे हैं पर लक्ष्मण अरब के खिलाड़ी मौका बन सकता है पर अच्छे मौका यहां पर दमदार शॉट लेकिन दमदार बचाव पर बबलू अच्छा मौका। ये
Kan nata ko kan natere. चल खेल का अंतिम समय है। टूर्नामेंट मुरमू टीम के कप्तान आप जितने जल्द हो सके आप हमारे टेक्निकल जोन में चलाएंगे क्योंकि आपका विपक्ष दल हमारे टेक्निकल जोन में जैसन एफसी के टीम पहुंच चुके हैं। गोल मांगना बना कोना रे मुर्मू स्टूडेंट टीवीएम पूरे दबाव रे मना को मन कन रे टीआरएम एमएमसी पुकुरिया टू डिब्रिन खेल को टीम रे जैसे नौजवान खेल को मना को मारे खाड़ी बारिया पे आगे टीम रे को सले रे कना आज मिटी तो हो टीम से लको जोड़ा कना खेल न पाई को खेले को खेल टी डिब्रिन नौजवान पड़ा के मन कन पे गोल ताय नंबर मना को Thank you.